1.5 GB देता है वो तो रील्स देख देख के खत्म कर देते हैं। कोई लड़की तो है नहीं जो बात करे, आप ही बन जाइए। मेरा नाम क्या है, खुशी खुशी से बोलो तो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों अभी सो के उठे, 5-10 मिनट हुआ, और अभी जो आप सभी को बताए थे कि शिवम जाएगा जंगल, तो उसका वीडियो दिखेगा आप सभी को। तो आज गया था मशरूम लाने, तो देखिए उसके हाथ में मशरूम भी है और ब्लॉग भी बना लिया है, तो वो ब्लॉग तो आप सभी को देखने को मिल ही जाएगा। तो अभी सो के उठ गए, मुँह भी नहीं धोए, देख सकते हैं दत्तू यहाँ पे है, तो वही दिखा रहे थे। ये मशरूम देख सकते हैं, देखिए ये मशरूम रहा, और खाने में ये बहुत ही अच्छा लगता है, तो देख ही सकते हैं। गाइस मुँह तो धो लिए, और देखिए फूची इधर खेल रही है, फूची और बाबू, वो पढ़ रहा है, ड्राइंग बना रहा है बुक पे, और इधर फूची को देखिए। ये खुद से चढ़ना सीख गई, पहले खुद से नहीं चढ़ पाती थी। और अभी खाना नहीं खाएं, कुछ देर पे खाएंगे खाना, मुंह धो लिए, अभी जो खाना खाने जा रहे हैं। और देखिए चावल खाने जा रहे हैं, सहजन का साग है, ये मिर्ची थोड़ा मम्मी दे दी है, हमको स्पाइसी पसंद है। गाइस खाना तो खा लिए हैं, और देखिए फिर से पानी पड़ने वाला है, मौसम कुछ क्या ही वैसा है, और काला काला बादल भी दिख रहा है। देखिए दिख रहा है ना आप सभी को, काला काला बादल, पानी पड़ेगा कुछ देर पे। तो देखिए गाइस पूछी आ गई यहाँ पे, और क्या खा रही है? अमरूद खा रही है, अमरूद खा रही है पूछी, नहीं खा रही है, तो ये कौन खाया? इतना इतना खा ली है, बोल रही है कि नहीं खाएं। देखिए कच्चा हुआ, कच्चा अमरूद है, पका हुआ नहीं है। अब सो जाओ तुम, ठीक है? बड़की मम्मी तड़का बोल रही है, बड़की मम्मी थोड़ा दलका है। और इधर देखिए बाबू पढ़ भी रहा है, और वो भी अमरूद खा रहा है, और जबकि इसका तबीयत खराब है फिर भी अमरूद खा रहा है दोनों। ये भी सर आपके नाम से जो जियो का नंबर है, हाँ, सूरज कुमार मेहता के नाम से आपका नंबर है 9939597 है सर, इस नंबर पे आपका रिचार्ज खत्म हो चुका है, 1 महीने हो चुके हैं, तो कोई हाँ। भी दूसरा नंबर यूज करते हैं या नहीं सर? आप कोई दूसरा नंबर यूज करते हैं? आप बताना क्या चाह रहे हैं? देखिए सर अगर कोई नंबर यूज करते हो उसमें आपका रिचार्ज होगा तो ठीक है, देखिए इस नंबर पे ये भी नंबर आपका इम्पोर्टेंट होगा सर, तो हो सके इस नंबर पे सर 2-3 दिन के अंदर में रिचार्ज करवा दीजिएगा, ठीक है सर? अच्छा सुनिए ना, वैसे तो हम सिंगल है, तो रिचार्ज करवा के करें क्या, 1.5-1.5 GB सिर्फ देता है। आप ये ऐसे मत बोलिए, ठीक है? हमारे पास कॉलिंग आता है, मैं कॉलिंग करती हूँ। सुनिए तो 1.5 GB देता है, हो सके तो करवा लीजिएगा, ठीक है? सुनिए ना, 1.5 GB देता है वो तो रील्स देख देख के खत्म कर देते हैं। कोई लड़की तो है नहीं जो बात करे, आप ही बन जाइए। कट गया कॉल। गाइस ये भाभी वाला फ़ोन है, और इस पर 1 महीना से ज़्यादा ही शायद से हो गया, रिचार्ज अभी तक नहीं हुआ है, तो वही कस्टमर केयर से कॉल आता है बार बार, और वो बोलता है कि आप इस पर रिचार्ज करा लीजिए। तो भाई देखो जब रिचार्ज कराना होगा हम करा लेंगे यार, आप एडवाइस क्यों दे रहे बताओ? बार बार कॉल करके परेशान करते कि आप रिचार्ज करा लीजिए, रिचार्ज करा लीजिए। अब ज़्यादा दिन अगर हो जाएगा ना तो यार सिम भी बंद होने का ये थोड़ा सा डर रहता है, तो कुछ दिनों पे रिचार्ज भी अब करा लेना होगा, क्या ही कहें। अभी इधर आइसक्रीम वाला आया था बिकने, तो वही शायद तो ये खाने खोज रही थी, वही रो रही थी, पैसा पैसा बोल रही थी, तो पैसा इसके पास है नहीं, वही मांग रही थी। तुम्हारा नाम क्या है पूछी, फिर से बोलो तो। सनाया। ये बोल रही है सनाया। अब पापा नाम क्या है? हाँ सूरज मेहता। ये बोल रही थी, इसका आवाज थोड़ा सा लड़खड़ा रहा है, धीरे धीरे ये सीखेगी बोलने। मेरा नाम क्या पूछी, फिर से बोलो तो। बोल रही है चंदन अंकल। तो गाइस आप सभी को बताए थे कि इधर आइसक्रीम वाला आया था, तो पूछी रो रही थी, तो अभी पापा गए थे चाय पीने के लिए, आप सभी को बताए थे कि हमारे यहाँ एक फेमस दुकान है, तो वहीं पे समोसा वगैरह मिलता है। तो देखिए फूची का खुशी, पापा समोसा ला दिए, इसमें चटनी है और इसमें इसमें समोसा है। और बाबू भी बहुत रो रहा था अभी, इसका देख सकते हैं आँख भी ठीक हो गया, इधर देखो तो इसका आँख भी ठीक हो गया। फूची
इसका भी आँख ठीक हो गया। और इसका यहाँ पे जो घाव है ना, वो आप सबका कमेंट आया था कि इलाज कराने के लिए, तो अब इसका जो ना ठीक हो रहा है, अब ठीक हो गया। क्या कि उसमें दवा वा लगा दिए हैं, उस पर दवा वा लगा दिए हैं, तो अब वो ठीक हो गया है। अब कुछ दिनों पे और अच्छा हो जाएगा वो नहीं वहाँ भी। हाँ तो ठीक है, जाओ समोसा खाओ, जाओ दो यहाँ समोसा आ जाओ खाओ। तो देखिए ये टोमेटो सॉस रहा और ये समोसा। इधर बाबू खाना स्टार्ट भी कर दिया। खा पूछी, तुम भी खाओ। गाइस समोसा तो खा लिए, और देखिए अभी फिर से टीवी देख रहे हैं, और अभी हनुमान जी का कोई सीरियल दे रहा है, उसके बाद रामायण देगा। उधर दादी भी बैठ के देख रही है, इधर बाबू भी है। पहले टीवी भी नहीं देखते थे, तो अभी जो सीरियल दे रहा है हनुमान जी का रामायण वगैरह, तो अभी टीवी चालू करते हैं और दादी फिर देखती है। रिमोट भी ख़राब हो गया, तो हाथ से वो चेंज करना पड़ रहा है चैनल को। तो दोस्तों अब जा रहे हैं खाना खाने, दादी सब जो टीवी देख के चली गई। और देखिए रोटी खाने जा रहे हैं, और ये है सब्जी है। तो अब जो रोटी अब खाना स्टार्ट कर दिए, चावल नहीं खा रहे। अब सबका बहुत सारा कमेंट भी आता था इस कारण से। खैर हमको भी अच्छा नहीं लग रहा था डेली डेली चावल खाने से, तो अब रोटी खाने जा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, खाते हैं। तो है दोस्तों अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और अभी वीडियो एडिट कर रहे थे, शिवम गया था जंगल मशरूम लाने के लिए, वही एडिट कर रहे थे। देखे बहुत जगह पे अच्छा से रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, क्या है कि यार कहीं कहीं भी फोकस ही नहीं हुआ है, तो ये अच्छा से नहीं कर पाया इस बार। देखते हैं अगर भैया कभी जाएंगे जंगल, तो अगर वो ब्लॉग बनाते हैं मशरूम का, तो और अच्छा से आप सभी को मैं दिखा पाऊँगा। शिवम जो रिकॉर्ड किया उसमें, वो भी ठीक ही किया है, लेकिन वो उसमें फोकस अच्छा से नहीं हो पाया है। ठीक है आप सब बताइएगा, वीडियो तो अपलोड हो गया है, आप सब तो देख ही लिए, कैसा लगा वो वीडियो ज़रूर से बताइएगा। और यार इस वीडियो को भी प्लीज़ लाइक कर दीजिए। देखिए अभी 2:39 हो गया, देख सकते हैं टाइम। और अब जो इस वीडियो को एंड करके अब सोने जा रहे हैं, तो ये वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा यार। इतना देर रात तक जग जग के काम करना पड़ता है, और अब से जो वीडियो का टाइमिंग चेंज कर दिए हैं, अब जो हर दिन सुबह का 11 बजे देखने को मिलेगा। पहले कोई टाइम टेबल नहीं था, लेकिन अब जो वो सुबह के 11 बजे देखने को मिलेगा, लेकिन अब डेली देखने को मिलेगा। ठीक है डेली ब्लॉग आएगा। क्या है कि पहले ब्लॉग नहीं डालते थे, कभी कभी डालते थे, कभी कभी छोड़ देते थे। आप सभी का कमेंट आता था कि भाई आप रेगुलर ब्लॉग डालो चाहे जैसा भी हो, तो वही अब जो रेगुलर ब्लॉग डालेंगे सुबह के 11 बजे। तो आप सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और बेल आइकन को भी ऑल पे कर लीजिए। ठीक है तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद जय भारत दोस्तों, बाय बाय।